ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन द लास्ट सेशन आई थिंक सो वी आर गॉन थ्रू दी मेथड्स, राइट? सो मेथड में हमने कैसे किया था कि एक ही क्लास में मेथड लिखा था, उसको भी हमने कॉल करके देखा था। एंड नाउ हियर विल हैव वन एडिशन वन क्लास। ओके दैट एडिशन इज हैविंग सम मेथड्स, राइट? देन हाँ, कुछ मेथड्स थे, कुछ पैरामीटराइज मेथड्स थे। ओके देन रिटर्न टाइप भी हमने देखा था, राइट? इज द वॉइड जो कि फाइंड द लार्जेस्ट किया था हमने। सो एवरीवन इज गुड एट दिस दिस लेवल, यहाँ तक सबको ओके? या गाइस ये प्रैक्टिस करके देखा सबने घर पे? भाई है ना, कुछ तो बोलूँ एटलीस्ट इन चैट बॉक्स। सोए हो तो उठ जाओ, जागते रहो, आगे बढ़ना है तो। ओके फाइन। लेट मी स्टार्ट। ओके शो 19 और इट इज एक्सेस स्पेसिफायर। ओके टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हमने कहाँ पे देखा था, किसी को याद है? व्हाट इज मीन बाय एक्सेस स्पेसिफायर्स? जो मेथड का हमने सिंटैक्स देखा था, अगर आपने वहां पे चेक किया तो विल हैव दैट एक्सेस स्पेसिफायर, राइट? लेट मी ओपन दैट। सी एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी। ओके विल हैव द मेनी नेम्स। ओके तो ये एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है? उसे हम क्या कहते हैं, विजिबिलिटी भी कहते हैं। ओके तो ये एक्सेस स्पेसिफायर विजिबिलिटी ये कैसे वर्क करता है, लेट्स सी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू डील विद एनी जावा प्रोजेक्ट। ओके ध्यान से सुनना गाइस, इट्स अ इंपॉर्टेंट वन, जावा प्रोजेक्ट बताओ। ओके तो इस जावा प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा होगा, आपके प्रोग्राम देखे आपने, राइट? इफ यू सी हियर हमारे पास क्या है, ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। सो व्हाट इज दिस स्कैनर, ये क्या है? स्कैनर इज अ क्लास। ओके तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ये कंप्लीट क्या है और इसे हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ओके मींस यहाँ पे पैकेजेस पे कुछ काम होता है। ओके पैकेजेस मतलब क्या? ओके जावा प्रोजेक्ट्स में जो होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम ऐड करते हैं, एज यू नो दैट ऑलरेडी, राइट? जैसे कि मुझे अभी यूजर से इनपुट ले रहा है, तो हमने क्या किया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके ये पैकेज हमने इम्पोर्ट किया, राइट? सो इन दैट वे बहुत सारी चीजें हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगते हैं। ओके तो जावा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर क्या रहने वाला है हमारे पास, पैकेज। जस्ट मिनट, ओके लेट्स कंसीडर द पैकेज वन। देन हमारे पास है एक पैकेज टू। ओके तो अगर ये पैकेजेस हैं तो इस पैकेजेस के अंदर क्या होते हैं, इनसाइड दिस पैकेज विल हैव द क्लास। ओके एक क्लास ए, देन इट्स कंसीडर क्लास बी। ओके देन कंसीडर क्लास डी।
देन कंसिडर द क्लास ई, ऐसे क्लासेस। तो ये जो क्लासेस है, इस क्लास के अंदर क्या होते हैं? इनसाइड दिस क्लासेस विल हैव दी मेथड्स। क्या होते हैं मेथड? लाइक मेथड वन, ओके, मेथड टू, राइट, मेथड वन, मेथड टू। देन यहाँ पे ये क्लास ए में हो गए, देन क्लास बी में भी कुछ मेथड रहेंगे, ओके, लाइक मेथड थ्री, मेथड फोर, ओके, फाइन। सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ मेथड आई विल राइट द M5 इज माय मेथड, ओके, देन M6 एक मेथड है, ओके, M7 है, देन आई हैव M8। सो ये क्या है सारी चीजें? दीज आर नथिंग बट आर मेथड्स, ओके। क्या ये मेथड है? सो सी गाइस, हमारे पास क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। इनसाइड दिस प्रोजेक्ट विल हैव द पैकेज, राइट, इनसाइड दिस पैकेज विल हैव द क्लासेस, राइट। देखो, इस क्लासेस के अंदर क्या होते हैं? मेथड। इस क्लास के अंदर क्या है? मेथड। इस क्लास के अंदर मेथड, ओके, लेट्स कंसीडर इन दैट वे। ठीक है, तो हमने क्या बताया? एक जाओ प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस होते हैं, और पैकेजेस के अंदर क्लासेस होते हैं, और क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं, ओके, सो अभी यहाँ पे चीज कैसा है कि एक्सेस स्पेसिफायर, और इसे हम कहते हैं विजिबिलिटी, ओके। अभी विजिबिलिटी का मतलब क्या है? कि ये जो मेथड्स है 1 2 3, ये दूसरे क्लासेस में विजिबल है क्या? यानी कि दूसरे क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं क्या? ओके, उस चीज को कहा जाता है विजिबिलिटी। मतलब लेट्स कंसीडर एट दिस प्लेस, इस मेथड में आपने कुछ कॉन्फिडेंशियल कोडिंग किया हुआ है, ओके, लाइक आप डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हो, यूजर ने पासवर्ड फेच कर रहा है, ला ब्ला ब्ला थिंग्स। तो क्या करना है आपको? ये चीज सबको एक्सेस नहीं देना है, तो आप इसे क्या करोगे? तो इसे विल मेक इट इज अ प्राइवेट, राइट। तो प्राइवेट मतलब क्या हो गया? कि ये जो मेथड्स है, ओके, दिस मेथड्स आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दिस क्लास, ओके, तो उसे कहा जाता है प्राइवेट। प्राइवेट यानी कि उसी क्लास तक ही एक्सेसिबल है, ओके। देन होता है वन मोर इज पब्लिक। अभी पब्लिक का मतलब क्या है? कि ये जो मेथड है मेथड टू, मुझे एक जनरलाइज्ड ऐसा मेथड लिखना है जो कि कहीं पे भी इजीली एक्सेस हो जाए इसका डेटा, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक। पब्लिक यानी कि क्या हो गया? इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द पैकेजेस, क्लासेस, इनसाइड द मेथड्स एंड ऑल, एवरीवेयर, ओके। समझ में आ रहा है? एक्सेस स्पेसिफायर कौन से अपने पास? प्राइवेट हमने देखा है, पब्लिक, देन होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से पहले लेट्स सी द डिफॉल्ट, देन प्रोटेक्टेड। दीज आर दी फोर एक्सेस स्पेसिफायर्स और द मॉडिफायर्स।
समझ में आ रहा है यहां तक? देखेंगे, हमें सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके सो प्राइवेट एंड पब्लिक पता चला। प्राइवेट यानी कि क्या रहेगा, इस क्लास के इनसाइड ही एक्सेसिबल रहेगा, ठीक ओके। और पब्लिक यानी कि दिस मेथड इज एक्सेसिबल टू दिस मेथड, टू दिस मेथड, टू दिस मेथड, टू दिस मेथड, हर जगह पे उसका एक्सेस मिलने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो प्राइवेट है, ओके, ये प्राइवेट हम किसे अप्लाई कर सकते हैं? विल अप्लाई द प्राइवेट टू ओन मेथड्स एंड वेरिएबल्स। मेथड और वेरिएबल्स को ही हम प्राइवेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पब्लिक किसे अप्लाई कर सकते हैं? आपने देखा है पब्लिक क्लास बोला है हमने, यानी कि क्लास को अपनी अप्लाई कर सकते हैं। देन मेथड भी पब्लिक है हमारे पास, राइट? एंड यू विल हैव दी वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है एवरीवन? गेटिंग दोस कॉन्सेप्ट्स? यानी कि ये जो मेथड्स है, और मेथड के इनसाइड जो कुछ भी क्लास के अंदर जो कुछ भी हमने इंस्टेंस वेरिएबल जो दिए हुए हैं, ओके उनको एक्सेस कहाँ तक और कौन सा मेथड कर सकता है वो चीज देना, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर देना। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बोला था कि आप सोसाइटी में रहते हो, तो इस सोसाइटी में आपके पास स्विमिंग पूल है। एक एग्जाम्पल हमने बहुत पहले लिया था, अगर आपको याद रहा तो। ओके यह है अपना स्विमिंग पूल, ठीक है, और यहाँ पे अपने घर है। ओके तो फिर यहाँ पे बताओ, ये स्विमिंग पूल इन सबको एक्सेसिबल रहेगा ना? लेट्स कंसीडर, दिस इज वन सोसाइटी, ओके एक सोसाइटी है। तो यहाँ पे ये क्या है, अपने हाउस है, घर है। तो ये जो स्विमिंग पूल है, इन सबको एक्सेसिबल रहेगा कि नहीं? यस, इससे एक्सेसिबल रहेगा। यहाँ ये भी एक्सेस कर सकता है, 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 राइट? है कि नहीं गाइस? सो ये स्विमिंग पूल बन गया अपना पब्लिक एंटिटी, राइट? सबको एक्सेसिबल है, ओके इस सोसाइटी में ये चीज सबको एक्सेसिबल है। अभी प्राइवेट यानी कि क्या, आपके घर में जो आपने फ्रिज रखा हुआ है, ओके ये रेफ्रिजरेटर सबको एक्सेसिबल रहेगा क्या? नहीं, राइट? ओनली पर्टिकुलर टू दिस हाउस एक्सेसिबल रहने वाला है। तो वो चीज बन गया अपना प्राइवेट, ओके सो लेट्स सी द वन बाय वन। पहले पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक देखते दो चीजें, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द पैकेज, ओके पैकेज कैसे बनाते हैं और पैकेज होता क्या है, ओके तो सी, लेट मी गो टू दिस मेथड एंड आई रिमूव एवरीथिंग। ओके सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया। अभी देखो, इफ आई सी एट दिस प्लेस, ओके यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम्स हम जैसे जैसे बना रहे हो, क्लास डॉट क्लास फाइल ऐसे बाहर बनते जा रहे हैं, एडिशन का जावा फाइल यहाँ पे है, इन दैट वे, ओके। लेकिन प्रोजेक्ट में मॉड्यूलराइजेशन चाहिए। मॉड्यूलराइजेशन यानी कि क्या,
आपने मॉड्यूलर किचन देखा होगा। मॉड्यूलर किचन यानी कि क्या होता है, वहां पे सिस्टमेटिकली सारी चीजें प्लेस की रहती है, राइट। तो उसे कहते हैं मॉड्यूलरिटी, राइट। तो वो मॉड्यूलरिटी जो है, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। तो देखो अभी बन क्या रहा है, सो नाउ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ना एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ, एंड आई विल से द पैकेज 1। ओके, मैंने पैकेज बना रहा हूँ और उसको बोल दिया मैंने पैकेज 1। ओके, सिर्फ इतना है। लेट मी रिमूव दिस वन, मुझे कुछ स्कैनर वगैरह कुछ नहीं देना, एंड दिस माई पब्लिक क्लास। ओके, पब्लिक क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इतना ही मैं रख दूंगा। एंड लेट मी ऐड वन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरनेम। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ। सो देखो, लेट मी कंपाइल दिस। ओके, जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा मैंने कंपाइल किया। ओके, सो कंपाइल करने के बाद मुझे क्या एक्सपेक्टेड है कि जब भी मैं ये क्लास कंपाइल करूंगा, एट दैट टाइम मेरे पास वो क्या बनाना चाहिए, एक फोल्डर बनाना चाहिए। ओके, सो उस फोल्डर के, यहाँ पे एक फोल्डर बना के आपने, यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पैकेज, उस पैकेज के इनसाइड में क्लासेस रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ फोल्डर बना क्या, नहीं बना हुआ है, बिकॉज जो हम कंपाइल किया तो सेम वे किया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, -d डॉट देके प्रैक्टिस डॉट जाओ। नाउ लेट्स चेक, सी पैकेज 1 बन गया अपना, और इस पैकेज 1 के इनसाइड क्या रहने वाला है, प्रैक्टिस डॉट क्लास, राइट। तो लेट मी रिमूव वंस अगेन ना एवरीथिंग। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो एवरीवन, ये मैंने पैकेज डिलीट किया, ओके, और मेरा प्रैक्टिस क्लास ये भी मैंने डिलीट किया। ओके, मेरे पास अभी सिर्फ ये एक जावा कोड है, ओके, प्रैक्टिस डॉट जावा है, जो कि इस बैच में ई ड्राइव पे यहाँ पे है। ओके, आई डू नॉट हैव एनी फोल्डर। सो मैं क्या करूंगा, अभी इस जावा प्रैक्टिस डॉट जावा को मैं कंपाइल करूंगा, कैसे, -d फॉर द डायरेक्टरी, डॉट फॉर द रूट ऑफ दैट और द करंट पाथ ऑफ दैट फाइल, एंड देन एंटर। सी बन गया, राइट, गेटिंग माय पॉइंट गाइस। यानी कि क्या होता है, पैकेज में, पैकेज हम बनाते हैं जहां पे आपके डॉट क्लास फाइल्स रहेंगे सारी, राइट। डॉट क्लास फाइल सारे यहाँ पे रहेंगे। अभी इसे रन करना है तो कैसे रन करेंगे, देन लेट्स कंसीडर, अभी मैं इसे रन करना चाहता हूँ। देखो रन हुआ, कुड नॉट फाइंड और लोड द मेन क्लास। क्यों, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन कर रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बनाए क्या अपना प्रैक्टिस का, नहीं। डॉट क्लास फाइल कहाँ पे बनाए, इनसाइड दिस पैकेज फोल्डर, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर पैकेज 1 डॉट प्रैक्टिस, ये हो गया रन। हाय गाइस, समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, एवरीवन अरे सब लोग है कि सो गए, अरे एक्सप्लेन अगेन। ओके, और किसको प्रॉब्लम है, ओके, हैंड रेस्ट, ओके फाइन, वेरी गुड। देखो अब मैं बता देता हूँ, आपने मॉड्यूलर किचन देखा होगा,
सुना है किचन, मॉड्यूलर किचन, जहाँ पे क्या होता है उस मॉड्यूलर किचन में, एक ऐसे सारे कंपार्टमेंट्स बनाए रहते हैं, राइट, जहाँ पे हम अपने किचन के सारे, सिंपली मॉड्यूलर किचन की किचन ट्रॉली, ओके, चलो हम उसको किचन ट्रॉली कहते हैं, किचन ट्रॉली, ओके। तो यहाँ पे ऐसे किचन ट्रॉली बनाते हैं ना हम, अपने घर में होते हैं किचन ट्रॉलीज वगैरह ऐसे, तो ये क्यों बनाते हैं? अगर हमारे पास किचन ट्रॉली नहीं रहा तो यूजुअली क्या होता है, घर में सारे किचन में के जो कुछ भी सामान है वो, प्लीज वन मोर टाइम शो, या आई एल एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। तो यानी कि क्या होता है, इससे मॉड्यूलर किचन से इजीली एक्सेसिबल चीजें हो जाती है, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हो जाती है आपके किचन के, राइट। अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय को लगने वाली सारी चीजें एक जगह पे रख देते हो, अगर आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते टाइम पे जो कुछ भी मसाला वगैरह लगता है तो सारी चीजें एक जगह पे रख देते हो, राइट, दिखने के लिए अच्छा दिखता है, साफ सुथरा रहता है, राइट, दैट इज द मॉड्यूलर किचन, राइट। तो वैसे ही जब प्रोजेक्ट बनता है ना, जावा का जब प्रोजेक्ट बनता है तो जावा का प्रोजेक्ट भी क्या कहता है, भाई तू क्या कर रहा है, जावा का प्रोजेक्ट में होता है एक मेन क्लास होता है, डेटाबेस कनेक्शन होता है, राइट, देन लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, ओके, लाइक कस्टमर रिलेटेड लॉजिकल प्रोग्रामिंग निकाल देता हूँ मैं इसको ना, कस्टमर बोल देता हूँ, ओके, कस्टमर रिलेटेड प्रोग्रामिंग है, एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोग्रामिंग है, स्टाफ रिलेटेड है, मैनुअल्स, ऐसा कुछ भी। तो क्या होता है कि इन सब के जो क्लासेस बनाओगे ना तो एक साथ ऐसे बनाएंगे कि अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक प्रोजेक्ट देखा, तो कैसे होता है, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कैसा प्रोग्राम है ये फोल्डर, जहाँ पे सारे क्लास फाइल्स भी है, जावा फाइल्स भी है, जेपीजी भी है, और ये देखो अपना यहाँ पे तो पीडीएफ भी है, राइट, सारा कचरा भरा भरा पड़ा हुआ है कहाँ पे, इस फोल्डर में, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा मॉड्यूलराइज करते हैं, ओके, मॉड्यूलराइज करेंगे यानी कि कैसे करेंगे, कुछ फोल्डर्स बनाएंगे, अभी देखो लेट मी रिमूव दिस, ये मैं हटा देता हूँ, ओके, एंड नाउ लेट मी गो टू, ये एक फोल्डर बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे इस फोल्डर्स को मैं नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस फोल्डर, और इस प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक जावा प्रोग्राम है, ओके। सो नाउ इस प्रोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ, ओपन विथ नोटपैड कर देता हूँ, और ये पहले वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके, फाइन। तो देखो अभी अगर आप इस फोल्डर में चले गए, मैंने कहा प्रैक्टिस फोल्डर में जाओ, प्रैक्टिस प्रोग्राम कहाँ पे फाइंड आउट करो, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, राइट, हाँ प्रैक्टिस यहाँ पे है, राइट। तो जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ओके, देखो अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, यहाँ पे आ जाता हूँ, सीएमडी, ओके, देन जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा, देखो क्लास फाइल कहाँ पे बन गया, यहीं पे बन गया, राइट। तो फिर से क्या हो रहा है, ये जो क्लास फाइल जो बन रहा है वो डॉट जावा के फाइल के पास ही बन रहा है, मैं करूंगा एक अलग सा फोल्डर बना जिसमें सारे क्लास फाइल्स होने चाहिए, राइट। तो वो क्या कहता है कि हर बार क्या मैन्युअली बनाते बैठेंगे हम, मैन्युअली बनाते बैठेंगे, नो दैट्स नॉट द गुड प्रैक्टिस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरे प्रोग्राम में पैकेज, ये पैकेज यानी कि क्या करेगा, एक हम पैकेज बना रहे, पैकेज समझते हो आप, यानी कि देखो फैमिली पैक है, फैमिली आइसक्रीम का फैमिली पैक, यानी कि क्या बहुत सारा क्वांटिटी ज्यादा होता है, यानी कि पैकेज बना रहे हम, टूर का पैकेज बनाते हैं, टूर जा रहे हैं हम घूमने तो पैकेज बनाते हैं, उसमें क्या है 3 days 4 nights, ओके, यानी कि क्या आपको पिकअप करना, ट्रैवलिंग, वहां पे होटलिंग, ओके, वहां पे साइट सीन्स, एवरीथिंग कुल मिला के एक अमाउंट दे देते, दैट इज वी कॉल इट एज अ पैकेज, राइट, उसे हम कहते हैं पैकेज। तो उसी हिसाब से पैकेज यानी कि क्या, कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे ये पैकेज क्या करता है कि डॉट क्लास फाइल्स सारे ऐड कर देता है, ओके,
तो हर बार मुझे फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं हर बार नहीं बनाने वाला। ओके तो प्रोग्रामेटिकली फोल्डर्स बनाएंगे। तो ये जो है पैकेज, ये कीवर्ड है, जैसे पब्लिक है, क्लास है, राइट, उसी हिसाब से पैकेज नाम का एक क्या है अपने पास, कीवर्ड है। ये कीवर्ड क्या करता है, फोल्डर बनाता है। कौन से नाम का फोल्डर, इस नाम का फोल्डर। ओके चलो, हमने क्या किया था, ये वाला जो देखा था पैकेज वन, पैकेज टू, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी डी, जो कुछ भी है, उस हिसाब से हम बनाते हैं, इज दैट ओके। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लास ए कर देता हूँ। ओके तो लेट मी रिमूव दिस वन एंड लेट मी ये कर दिया मैं पैकेज ए। ओके तो ए बना लिया। कौन से पैकेज के अंदर जाने वाला है अपना, वो ए पैकेज वन फोल्डर में, उसके डॉट क्लास फाइल जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक फोल्डर लिख दिया, क्लास ए बनाया। ओके तो यानी कि इस पैकेज के अंदर मुझे ए डॉट क्लास फाइल मिलना चाहिए, राइट। सो सी, मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। तो इसको कंपाइल करने के लिए जावा सी हाइफन डी फॉर डायरेक्टरी। ओके वो डायरेक्टरी बनाओ, ऐसे बनाएंगे। डॉट यानी कि जो करंट फाइल है उसका लोकेशन ले, एंड देन सॉरी देन ए डॉट जावा। सी कंपाइल हो गया, लेट मी चेक वहां पे फोल्डर बन गया क्या। सी इस प्रैक्टिस के अंदर ए डॉट जावा जो है, इसके अंदर बन गया मेरा पैकेज, पैकेज के अंदर बन गया मेरा क्लास, राइट। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया था, और एक क्लास बनाया था, उसको मैंने क्या किया, क्लास बी, और सेम पैकेज लिया, क्लास बी एंड देन इट्स अ जावा फाइल। ओके मैंने सेव कर दिया, पैकेज वन के अंदर क्लास बी और ये चीज बनेगा। ओके सो सी नाउ इफ यू चेक एट दिस प्लेस, पैकेज वन के अंदर क्लास ए और क्लास बी है, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपली क्लास ए और क्लास बी इसके अंदर डाल दिया, इस पैकेज के अंदर लिख दिया मैंने। सो नाउ इफ आई कंपाइल दिस बी डॉट जावा, ओके सो नाउ वे, तो नाउ सी हियर, इस प्रैक्टिस के अंदर ए और बी ऐसे दो है, एंड देन पैकेज है, इनसाइड दिस पैकेज ओके ए डॉट क्लास एंड बी डॉट क्लास कहां पे बन गया, इनसाइड दिस पैकेज। यहां तक समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, सिंपली एक लाइन डाल दिया। ओके तो अब मैं क्या कर देता हूं, क्लास सी बना देता हूं। ओके एक क्लास सी बना देता हूं और उसे बोलता हूं, भाई तू एक काम कर, पैकेज टू के अंदर डाल दे, क्योंकि हमने जो डिजाइन बनाया ना अपने कोड का इन दिस वे। यहां पे मैंने सी किया, लेट मी रिमूव दिस। ओके यहाँ पे मैं सी डाल देता हूँ। सी कौन से क्लास में है, कौन से पैकेज में है, इन विच पैकेज, इट्स इन पैकेज टू, राइट। तो जब मैं क्लास सी कंपाइल करूंगा तो ये वाला फोल्डर बनाएगा, अगर फोल्डर नहीं है तो, राइट। पैकेज टू एंड दिस माय क्लास सी, देखो मैं इसे रन कर देता हूं। नाउ यू कैन चेक हियर कितने पैकेज बन गए, सी डॉट क्लास यहाँ पे बन गया, ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास इनसाइड यहाँ पे बन गया, राइट। अलग अलग फोल्डर्स में बन रहे, राइट। अब मैं बना देता हूँ क्लास डी और बोल देता हूँ इसी पैकेज में क्लास डी बना दे, और सेव कर देते हैं इसको डी बोल के, एंड लेट मी कंपाइल दिस। सिर्फ मैं कंपाइल ही कर रहा हूँ, अभी तक रन नहीं किया मैंने एक भी कोड। ओके
तो नाउ इफ आई चेक हियर, तो यहाँ पे बन गया पैकेज टू और इसके अंदर सी डी क्लासेस, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो नाउ अभी यहां पे सारे मेन मेथड्स हैं, ओके? तो मैं डी में क्या कर देता हूं, एक नॉर्मल मेथड बना देता हूं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बना देता हूं, और सिर्फ कौन से क्लास में है वो डिस्प्ले करेगा, ओके? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, और इसमें मैं डाल देता हूं आई एम इन क्लास टी, राइट? क्लास डी डॉट मेथड, क्लास डी डॉट डिस्प्ले बोल देते हैं, यानी कि क्लास डी में, क्लास डी का डिस्प्ले मेथड में हम है, ऐसे बता दिया हमने, ओके? तो सेम मेथड मैं बना देता हूं मेरे ये वाले क्लास में, ये डी का हो गया, सी में बना देता हूँ, ये मेन निकाल देता हूं मैं, और यहां पे लिख देता हूँ आई मीन सी डॉट डिस्प्ले, राइट? देन मैं बी में बना लेता हूं मेरा कोड बी डॉट डिस्प्ले, राइट? सिंपल मेथड बता रहा हूं, और ए डॉट जावा में जो है वहां पे मैं मेन मेथड लिख देता हूं, ओके? सो अभी देखो, अभी कैसा है कि इस क्लास में आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस मेथड, ये मेथड मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? यहां पे जाऊंगा मैं, ओके? यहां पे मैं लिख देता हूं आई एम इन क्लास ए मेन मेथड, ओके? क्लास ए के मेन मेथड में हूं, ओके? नाउ यहां पे अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू बी, राइट? और ना मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है इसका, डिस्प्ले मेथड, तो मैं यहां पे जाता हूं एंड देन आई विल से बी डॉट डिस्प्ले, राइट? सो देखो अभी मैं क्या कंपाइल करने वाला हूं, दो ही मेरे मेन मेथड मेन क्लासेस है, एक ए और एक बी, राइट? फिलहाल तो मैं ए और बी दो ही कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, फाइन? तो देखो, तो पहले सबसे पहले मैंने ये वाला कंपाइल किया, देन आई विल कंपाइल ए डॉट जावा, ओके? एंड नाउ लेट मी रन दिस कोड जावा, अभी कैसे रन करूं बताओ? यहां पे क्लास फाइल देते ना, तो क्लास फाइल कहां पे है, ए का क्लास फाइल इनसाइड दिस पैकेज वन है ना, मुझे क्या देना पड़ेगा, जावा पैकेज वन डॉट ए, सी आई एम इन क्लास ए मेन मेथड, उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया, देन उसने कॉल किया इस मेथड को सी आई एम इन क्लास बी डॉट डिस्प्ले, राइट? यहां से उसने कॉल किया इसे, अभी अगर मैंने इस चीज को कर दिया प्राइवेट, क्या कर दिया प्राइवेट, ओके? एंड नाउ लेट मी फर्स्ट कंपाइल दिस बी डॉट जावा देन ए डॉट जावा, देखो क्या बताया उसने, डिस्प्ले हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन बी, वो क्या बोल रहा है, एरर है, क्या बोलता है कि भाई तूने प्राइवेट दिया है, ये प्राइवेट का मीनिंग क्या बता रहा है कि तू ये जो क्लास है ये क्लास तू आउटसाइड दैट सॉरी ये जो डिस्प्ले मेथड है ये मेथड आउटसाइड दैट क्लास बी तो एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज इसका एक्सेस स्पेसिफायर तूने प्राइवेट दिया है,
राइट, तो उसी क्लास तक ही वो एक्सेसिबल रहने वाला है, उस क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके। तो ये जो चीज है पैकेज का चीज है, तो यहां तक ये चीज बनने वाला है, फाइन। तो देखो अभी आगे कैसे बनता है। ये प्राइवेट है, ये मैं हटा देता हूं, कुछ भी नहीं दूंगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग, ना प्राइवेट ना पब्लिक ना प्रोटेक्टेड, एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं देना है। ओके तब क्या होता है देखते हैं, डिफॉल्ट कुछ लेता है क्या, वो चलेगा क्या? बी को मैंने कंपाइल किया, हाँ कंपाइल तो हो गया। ए को कंपाइल कर देता हूँ, अरे ए भी रन हो गया। यानी कि अभी ए में हमने कुछ भी नहीं दिया, वो एक्सेसिबल है, राइट। चलो प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट हो रहा है क्या? प्रिंट भी हो रहा है, राइट। यानी कि अगर इस प्रोग्राम में मैं कुछ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दूंगा, ओके, इफ देर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इज गिवन, देन इट बिकम्स डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर ले लेता है, तो डिफॉल्ट क्या है बता देता हूं। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट, अगर हम कुछ भी नहीं दे रहे तो डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट जो है आपका इस कंप्लीट पैकेज में एक्सेसिबल रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर जो हमने क्लासेस बनाए, कहीं से भी कौन सा भी मेथड कहीं पे भी क्लास करो, तो वो चीज बन जाता है अपना डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज अ कंप्लीट पैकेज। ओके समझ में आ रहा है? राइट समझ में आ रहा है? इट मींस एक्सेसिबल विद इन द पैकेज। ओके एक्सेसिबल विद इन द पैकेज। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक सबको ओके है एवरीवन? सो ये चीज बन जाता है अपना डिफॉल्ट वाला। ओके सो आई विल गिव दिस स्टेटमेंट ओवर देयर, सो दैट लेटर ऑन आई विल शेयर दिस वन। डिफॉल्ट का ही है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं गाइस सर, तो ये समझना बहुत जरूरी है, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर ध्यान दे रहे हो तो सिंपल है, अगर आपका ध्यान नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। अभी बता रहा हूं, ध्यान दो और आराम से देखो मैं क्या क्या कह रहा हूं। ओके तो आपको इजी लगेगा, और मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूं आप लोगों को, राइट। तो समझ में आना चाहिए। अभी देखो हमने कहा कि इस मेथड को कॉल देते, देखो ए में कौन सा मेथड है मेरे पास, पब्लिक मेथड है मेन, तो इस मेथड के अंदर मैं इसे कॉल दे रहा हूँ, राइट। ऐसे नहीं कि मेन में ही कॉल देना है, आई कैन क्रिएट एनी वेयर, राइट। यहाँ पे भी मैं एक मेथड बना सकता हूँ और उस मेथड को मैं कॉल दे सकता हूँ। सो नाउ हियर इट्स अ पब्लिक एंड नाउ इट्स अ डिफॉल्ट। तो हमने भी अगर इसको पब्लिक बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मेथड है कंप्लीटली
सारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, अगर क्या है पब्लिक है तो, राइट। इफ इट इज पब्लिक देन इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अभी प्रोटेक्टेड देखते हैं। बोले टू टेक दिस प्रोटेक्टेड, अभी प्रोटेक्टेड क्या कहता है? प्रोटेक्टेड जो है इट इज गिवन टू द मेथड एंड वेरिएबल्स। ओके, मेथड ऑफ वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड रहेगा, तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट तो ऑब्वियसली सबको रहेगा, तो प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या है, लेट मी राइट इट ठीक तरह से, देखो ना, प्रोटेक्टेड बहुत बार पूछते हैं। एक्सेसिबल ओनली विद इन द चाइल्ड क्लास और इनसाइड सेम पैकेज, यानी कि एक्सेसिबल ओनली विद इन द चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल रहेगा। ओके, चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल। अभी चाइल्ड क्लास यानी कि क्या, कि लेट्स कंसीडर ये जो मेरा मेथड है, क्लास है। ओके, सॉरी, ये ओके फाइन, सॉरी लेट मी ड्रॉ बाय दिस वे। ए जो है आपका पेरेंट क्लास है इस क्लास सी का, यानी कि क्लास ए और इसके अंदर मेरा क्लास सी, भले कौन से पैकेज में रहने, ये पेरेंट है। ओके, वो मेरा पेरेंट बन रहा है और ये मेरा चाइल्ड बन रहा है, राइट। तो ये जो सी में जो है एक्सेसिबल रहेगा ए की क्लासेस, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट में। अभी फिलहाल ये एक स्टेटमेंट ही देखो, बिकॉज इसके लिए इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है हमें वो देखना पड़ेगा, जहां पे पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के रिलेशनशिप हम बना देते हैं। ओके, सो एज ऑफ नाउ दिमाग में इतना ही रखो कि एक्सेसिबल ओनली विद इन द चाइल्ड क्लास, अगर ये मेरा चाइल्ड क्लास है। ओके, इफ दिस इज माय चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास, तो इस मेथड में एक्सेसिबल रहेंगे सारे इसके। ओके, तो इस मेथड में इस क्लास के सारे चीजें एक्सेसिबल रहेंगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? विल सी बाय प्रैक्टिकली लेटर ऑन, बट अभी कॉन्सेप्ट याद रखो। फाइन, सो यहां तक हमने क्या क्या देखा, पैकेज क्या होता है देखा, राइट। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जावा प्रोजेक्ट होता कैसे है, राइट। एक जावा प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं, राइट। तो उस हिसाब से जैसे कि इफ आई सी द सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे क्या है, जावा। अभी देखो जावा के अंदर क्या है, जेडीके एंड जीआरई, तो इसके अंदर क्या है, बिन, राइट। इसके अंदर क्या बन रहे हैं, ये सारे मेरे पैकेजेस भी है कुछ, सी इंक्लूड करता हूँ मैं, डॉट एच फाइल्स है, विंडोज 32 फाइल्स है, राइट, ये लाइब्रेरीज है,
तो ऐसा फोल्डर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पैकेज का यूज करते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस, अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। और यू वॉन्ट्स टू डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप बाद में भी कर सकते हो, राइट? ये वीडियो देख के आर यू देयर गाइस? चलो, होप एवरीवन इज गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, फाइन, ग्रेट। तो देखो, ये बन गया अपना एक्सेस स्पेसिफायर। यहां तक तो ओके है। कैसे बनाया? पहले तो हमने ये डायग्राम बनाया। ये सेम डायग्राम बनाओ घर पे, उसमें इतने ये मत करो, थोड़ा सा ठीक तरह से बनाओ। जैसे कि सिंपल एक जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, ये जावा प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज वन, यहाँ पे एक पैकेज टू, यहाँ पे क्लास ए, यहाँ पे क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ओके, और इसके अंदर आप मेथड्स बनाओ। ओके, लाइक इसके अंदर बनाया हमने एम वन मेथड, यहाँ पे बनाया एम टू मेथड, यहाँ पे बनाया एम थ्री, यहाँ पे बनाया एम फोर। ओके, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कोडिंग करोगे। ओके, जाओ प्रोजेक्ट, यहां से जाएगा, ये पैकेज रहेगा, उसके अंदर फिर से दो रहेंगी, इस पैकेज के अंदर रहेगा ये वाले मेथड्स, क्लास के अंदर मेथड्स। ओके, तो ये वाला प्रोजेक्ट डायग्राम पहले आपके सामने रखो। ओके, एंड देन कोड करो। अभी कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, राइट? क्लास ए क्लास बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है? नहीं, तो जाओ क्लास ए में, जाओ क्लास ए में पहले मेन मेथड लिखो, बिकॉज इट्स अ मेन मेथड, मेन क्लास जहां से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये रहेगा, इट बिलोंग्स टू द पैकेज वन। सो व्हाट इज द पैकेज? इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट द फोल्डर, राइट? तो पैकेज वन के अंदर ए डॉट क्लास जाएगा, फिर से पैकेज वन के अंदर बी डॉट क्लास जाएगा, पैकेज टू के अंदर सी डॉट क्लास जाएगा, पैकेज टू के अंदर डी डॉट क्लास जाएगा, और हम रन क्या करते हैं? क्लास फाइल्स, राइट? सो यहाँ पे रन करते टाइम पे हम कैसे रन करेंगे? दिस इज द वे, राइट? ठीक है? नहीं, लेट मी टेक दिस वन। रन कैसे करना है मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, हाउ टू रन, कंपाइल के लिए जावा सी हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस ए डॉट जावा, राइट? देन अभी मुझे रन करना है, रन करने के लिए जावा, देन ए कौन से पैकेज के अंदर है? ए इज बिलोंग्स टू पैकेज वन, तो यहाँ पे पैकेज वन डॉट ए, देन हिट एंटर।
राइट, देन इट विल रन। सो अगर रन करना है आपको तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे ना कोड लिख रहे हैं ए बी सी डी में, और मैं रन कर रहा हूं सिर्फ मेरा ए क्लास, बिकॉज ए इज माई मेन क्लास, राइट। मेन ए की क्लास में लिखा है मैंने, ओके। तो यहाँ पे बी डॉट क्लास है, सिर्फ इसमें मेथड लिखा है, सी में मेथड है, डी में मेथड है, समझ में आ रहा है। सो हियर व्हाट इज प्राइवेट, प्राइवेट इज एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज एक्सेस ओनली विद इन द क्लास, ओके। क्या होता है प्राइवेट, एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। लिखू क्या कहीं पे ठीक तरह से इसको, सो दैट आई कैन शेयर इट लेटर ऑन ऑन ग्रुप। तो सी प्राइवेट यानी कि एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, यानी कि क्या है मेरा प्राइवेट, सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। नाउ पब्लिक एक्सेसिबल इन प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट में एक्सेस रहने वाला है, ओके। डिफॉल्ट लिखा है मैंने ऑलरेडी वहां पे, बट स्टिल आई विल राइट इट अगेन, एक्सेसिबल ओनली विद इन द विद इन पैकेज, राइट, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल ओनली विद इन द चाइल्ड क्लास, और इनसाइड द सेम पैकेज। इट्स लुक्स लाइक द डिफॉल्ट, हाँ ये डिफॉल्ट की तरह लगता है, बिकॉज एक्सेसिबल ओनली विद इन दी कहाँ पे बता रहा है, सेम पैकेज बता रहा है, राइट, जैसे कि डिफॉल्ट का है, बट यहाँ पे एक चीज हमने डाला हुआ है, वो क्या है, इनसाइड दी यस इनसाइड दी चाइल्ड क्लास, ये चीज भी याद रखें, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस स्पेसिफायर एंड पैकेजेस, ओके। गेट, सो नाउ लेट्स गो बिट टू द नेक्स्ट, ओके। नाउ गाइस, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, कैसे करते क्रिएट ऑब्जेक्ट, यस ओके। सो लेट्स कंसीडर, मेरे पास टेस्ट नाम का एक क्लास, क्लास इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तब हम क्या करते हैं, हंड्रेड परसेंट चार्ज हो गया चाहिए, टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, राइट,
इन दिस वे हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं। तो यहां पे ये टी क्या है, न्यू क्या है, और ये टेस्ट जो है, इट लुक्स लाइक द मेथड राइट। देखो हम मेथड कैसे लिखते हैं, ठीक है नहीं, डिस्प्ले है और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, सी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, सी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज राइट। तो जब हम ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं तो यहां पे मेथड का सिंबल दे रहे, तो ये बी क्या मेथड है, इज बी इज अ मेथड, चलो न्यू मालूम है, न्यू इज अ कीवर्ड, चलो देन बी क्या है, बी तो मेरा क्लास है, तो उस क्लास को मैं मेथड कैसे बता रहा हूं राइट। बी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ओके, उससे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, फाइन। यानी कि क्या, देख न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड का काम क्या है, यहां पे न्यू कीवर्ड का काम है मेमोरी एलोकेट करना। याद रखना, पूछते हैं इंटरव्यूज में मेमोरी एलोकेशन कौन करता है, न्यू कीवर्ड। तो टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट, तो ये जो टेस्ट है उसके पैरेंथेसिस देख के मुझे लगता है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ये कंस्ट्रक्टर जब भी कोई मेमोरी एलोकेशन हम करेंगे, ओके, एक मेमोरी एलोकेट करेंगे, ये मेमोरी में हमने बनाया अपने टी नाम का ऑब्जेक्ट राइट। तो इस ऑब्जेक्ट को स्पेस कितना लगने वाला है कौन बताएगा, इसके अंदर कौन से इंस्टेंस मेथड्स है, इंस्टेंस वेरिएबल्स है कितने हैं, उसके साइज क्या है, वो सारी चीजें आपको बता देगा आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। यानी कि इस मेथड में अगर मैंने लिखा बी के अंदर, यहाँ पे अगर लिखा लेट्स कंसीडर इंटीजर नम वन राइट, तो नम वन इट्स ए इंटीजर, तो 4 byte लगेंगे राइट। तो इस कंप्लीट क्लास को जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मुझे उसको उसके 4 bytes लगने वाले, बिकॉज ये इंटीजर नम वन के लिए मुझे स्पेस रिजर्व करके रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसे कहते हैं हम मेमोरी जो होता है अपना हीप, हीप मेमोरी, हीप मेमोरी यानी कि क्या, मेमोरी का ही टाइप है, इसे मेमोरी है ही, उसे हम हीप मेमोरी कहते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट होता है, दैट्स इट। कहां तक समझ में आ रहा है एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट टिल नाउ, what is, how we are creating the object, what is new keyword and what is test, the class name and then parenthesis, kahan tak samajh mein aa raha hai guys, yes, kya baat hai, एनी विदाउट एनी डाउट सबको समझ में आ रहा है, ग्रेट। तो ये हो गया फाइन। सो नाउ ये है अपना मेथड कंस्ट्रक्टर और ये है। सो देखो अगर मुझे ये मेथड कॉल करना है डिस्प्ले मेथड, ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है राइट, तब जाके मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ बी डॉट डिस्प्ले राइट। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो उस टाइम पे ये बी और कर्ली ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस दिए,
तो ये वाला कहीं पे दिख रहा है मुझे अपने कोड में? हमने बोला इट्स अ मेथड, राइट? तो मेथड तो इनविजिबल है ही नहीं यहाँ पे, है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, राइट? तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे तो ऐसे कुछ तो भी एक मेथड है इन दिस वे, राइट, जो कि मेमोरी एलोकेशन करने का काम करता है। ये वाला क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, राइट? तो ये जो है मेथड, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ये कौन इंसर्ट करेगा आपके क्लास में? देखो, यानी कि जब भी अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो सेम वे आई कैन यूज इट, राइट? यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सी सी इज इक्वल टू न्यू सी। अगर मुझे डी का बनाना है, डी डी इज इक्वल टू न्यू डी, राइट? तो ये जो क्लास नेम से जो मेथड बन रहे हैं, ओके, तो वो बाय डिफॉल्ट इंसर्टेड बाय जावा कंपाइलर, बाय डिफॉल्ट होते ही जब भी आप क्लास बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये चीज यहाँ पे ऐसे बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन इज, क्या हम बना सकते हैं ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर लेट सी, मैं यहाँ पे इसको कॉल कर, ऐसे बना के ना इसको मैं कॉल कर देता हूँ। आई मीन क्लास बीज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यानी कि क्या, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है कुछ तो भी, ओके, कंस्ट्रक्टर। सो लेट सी, यहाँ पे जाते हैं, क्लियर कर देता हूँ। लेट मी कंपाइल फर्स्ट डी डॉट जावा। देखो कंपाइल तो हो गया, कोई एरर नहीं है, ए को भी कंपाइल कर देता हूँ। ये मैं क्या बता रहा है, सी कैनॉट फाइंड, कैनॉट फाइंड, डी कैनॉट फाइंड, डी कैनॉट फाइंड, क्यों सी और डी कैनॉट फाइंड बोल रहे हो भाई? यस, क्योंकि उसको हमने अभी तक कंपाइल किया ही नहीं है और मैंने इसका कोड यहाँ पे लिख दिया है, ओके, तो लेट मी रिमूव एज ऑफ नाउ, ओके। सो नाउ यहाँ पे वंस अगेन लेट मी कंपाइल बी डॉट जावा एंड ए डॉट जावा, राइट, कंपाइल हो गया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखो आई एम इन बीज कंस्ट्रक्टर, आई कि नहीं यहाँ पे दिस वन, यानी कि हम खुद का कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, राइट? और कंस्ट्रक्टर कब रन हुआ, मैंने यहाँ पे कहीं पे कॉल किया है क्या? देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, ओके, आई विल रिमूव दिस, मुझे डिस्प्ले कॉल नहीं करना है, आई डोंट वांट टू कॉल दिस डिस्प्ले, लिखा है मैंने लेकिन कॉल नहीं करना। लेकिन यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा ए डॉट जावा देन बी डॉट जावा, पहले बी पे डिपेंड है ना, हाँ, देन इधर देखो क्या आ गया, आई एम इन क्लास बीज कंस्ट्रक्टर। इसे कॉल किया क्या हमने? कॉल किया था हमने? नहीं किया था। यानी कि क्या है कि जो क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तो उस टाइम पे उसको यहाँ पे कॉल हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? सो देखो, लेट मी नोट द कंस्ट्रक्टर, नाउ लेट मी राइट कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ चीजें। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, इट्स अ
टाइप ऑफ क्या है, मेथड है। ओके देन और क्या है, नेम कैसा है इसका? इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। राइट, इसका जो क्लास नेम हमने दिया है, ओके उस क्लास नेम का ही मेथड रहेगा, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और इसको रिटर्न टाइप होता है क्या? इट डजंट हैव रिटर्न टाइप, उसको रिटर्न टाइप वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा दिमाग में रखना, मे बी इन इंटरव्यूज में वो पूछ सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे बनाया कंस्ट्रक्टर, बी का कंस्ट्रक्टर, इसे कुछ रिटर्न टाइप दिया क्या? पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन वगैरह हमने कुछ नहीं दिया, यानी कि डिफॉल्ट रहने वाला है, और वॉइड भी यानी कि कुछ रिटर्न टाइप नहीं रहने वाला है। तो सिंपली ये बी ऐसे लिख देंगे। ओके गेटिंग माय पॉइंट? सो कंस्ट्रक्टर्स के होते हैं तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ, पहले टाइप देखते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहले होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन सेकेंड होता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ओके एंड तीसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखो तीन टाइप, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये पैरामीटराइज्ड यानी कि क्या, कि हमने जैसे देखा था पहले ये एडिशंस में, ये हम यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ पास कर रहे थे आर्गुमेंट्स, ओके तो इसे आर्गुमेंट्स कहो और पैरामीटर कहो, ओके तो क्या होता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी ये चीज रहने वाली, यानी कि यहाँ पे ओके अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो इस कंस्ट्रक्टर में मैं ऐसे पैरामीटर्स भी दे सकता हूँ, ओके तो ये हो गया मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जहां पे मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ, राइट, जहां पे मैं पैरामीटर्स दे रहा हूं, ओके देन होता है अपने पास, लेट मी टेक दिस वन, यानी कि यहां पे लेट कंसिडर टेस्ट नाम का क्लास है, तो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी मैंने ले लिया, तो ये क्या है, पैरामीटर्स दिए हैं मैंने, राइट इसको हमने पैरामीटर्स दे दिए, तो ये बन गया मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यानी कि जिसमें ये पैरामीटर्स नहीं रहने वाले, यानी कि ये नहीं रहेंगे, राइट यानी कि सिंपल क्या रहेगा, टेस्ट, बस इतना ही, ओके तो ये बन गया मेरा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो नेक्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसे हम कहते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सो इट्स लुक्स लाइक द सेम वन। तो अभी आप लोग बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर? यस एनीवन? देखो डिफॉल्ट यानी कि यहां पे हमने देखा
राइट, जैसे कि हमने इसको बी करले पैरेंथेसिस दे दिए, राइट, ठीक है नहीं? ये मेरा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और सेम चीज भी बन रहा है मेरा यहाँ पे जिसमें आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पे भी आर्गुमेंट नहीं है, डिफॉल्ट में भी नहीं है और नो आर्गुमेंट में भी आर्गुमेंट्स नहीं है, तो डिफरेंस क्या है? यस, एनीवन वांट्स टू गेस? आपके आंसर्स गलत रहेंगे तो भी चलेगी, बट कुछ तो भी बताओ। यस गाइस, या कुछ बताना चाहते हो, कुछ सोचना चाहते हो ऑन इट? ये मैं बता दूं, एटलीस्ट इतना तो भी बताओ सर, आप ही बता दो। बोल देखो, अभी होता कैसे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि क्या, कि अगर हमने दिया नहीं है, देखो इस सी में हमने दिया है क्या कहीं पे कोई कंस्ट्रक्टर? फिर भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ ना, देखो सी सी इज इक्वल टू न्यू सी, राइट। ये मेथड मैंने नहीं लिखा कुछ ऐसा सी में, राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट जावा कंपाइलर प्रोवाइड करेगा, तो ये बन गया मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहां पे मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर मैंने क्या किया कि ये एक लाइन तो प्रिंट कर ऐसे बोल दिया, राइट। सो दिस इज अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बट दिस इज रिटन बाय डेवलपर, ओके, किसने लिखा है? ये हमने लिखा है। सो ये बन गया अपना नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और जो लिखा नहीं है, ओके, इंजेक्टेड बाय और इंसर्टेड बाय जावा कंपाइलर, उस चीज को हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। याद रखना हमेशा दिमाग में, ओके, ये दो कंपेयर करना, सी और बी, बी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, तो ये है मेरा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बट सी में ऐसे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बट मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सो ये वो बन गया मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस वन। सो पहले तो हम कंपाइल करते हैं अपना सी डॉट जावा, हो गया, देन लेट मी कंपाइल दिस बी डॉट जावा, हो गया, देन लेट मी कंपाइल दिस ए डॉट जावा। सो सी व्हाट इट इज सेइंग, कैन नॉट फाइंड द सिंबॉल सी, एरर एट लाइन दिस वन, व्हाई, क्लास चेक करो, सी पब्लिक लिखा है, पब्लिक लिखा है, देन यहाँ पे then it goes to other package, okay, package to class c dot java, na c dot java hi hai package to, let me check package to ke andar banaye kya, let me remove all this, let me compile a dot ए डॉट जावा। देखो जब मैंने ए डॉट जावा किया तो उसने क्या बोला, बी सी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ओके,
सो यानी कि डिपेंडेंसी है. सो पहले मैं क्या करूंगा, लेट मी कंपाइल दिस सी डॉट जावा. ओके, देन लेट मी कंपाइल दिस बी डॉट जावा. देन लेट मी कंपाइल दिस ए डॉट जावा. ए डॉट जावा में फिर भी क्लास सी को बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल. वहां है, इट्स इन द अनदर पैकेज, राइट? पैकेज टू डॉट सी. हे सॉरी गाइस, ऐसा कुछ नहीं करना है. हाँ, ये ऐसे रहेगा. सो एक नया कंसेप्ट है, वो मैं बताने से पहले यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. सो नाउ सी, देखो अभी क्या हो गया. नाउ यहाँ पे ये पैकेजेस बन गए. ये बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है. तो मैं सी के कंटेंट्स ए में यूज करना चाहता हूँ, राइट? यानी कि सी के मेथड को मैं कॉल देना चाहता हूँ यहाँ पे. तो ये अलग पैकेज में है ना, सी यहाँ पे. इट इज इन द डिफरेंट पैकेज, राइट? तो इस पैकेज को मुझे अगर यहाँ पे चाहिए, इस क्लास में अगर मुझे चाहिए ए में, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट क्या करना है मुझे, पैकेज टू डॉट सी, राइट? पैकेज टू डॉट सी यानी कि ये कौन से पैकेज में, टू सेकेंड पैकेज में है, सी क्लास. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, कहीं पे तो देखा होगा हमने, स्कैनर. हाँ, स्कैनर. स्कैनर को कैसे कहता, इंपोर्ट जावा फोल्डर के अंदर, यूटिल फोल्डर के अंदर स्कैनर नाम का क्लास है. सो इन दैट वे इंपोर्ट पैकेज टू के अंदर डॉट सी नाम का क्लास है. सो नाउ लेट्स कॉल दिस वन सी डॉट डिस्प्ले. ओके, सो नाउ लेट मी कंपाइल दिस ए डॉट जावा. हो गया, राइट? ए बी सी सब कंपाइल हो गए. सो नाउ लेट मी रन दिस सी. आ गया, आई एम इन सी डॉट डिस्प्ले. कंस्ट्रक्टर, ए मेथड, सारी चीजें आ गई. समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? हम कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दिया. इज दैट ओके गाइज? ओके, लेट मी समराइज दिस. हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि पैकेज कैसे बनाते हैं, और ये जब हम पैकेज बनाएंगे तो क्या करता है, इट विल क्रिएट फोल्डर टू सेव डॉट क्लास फाइल्स, राइट? एक चीज देखिए, देन अगर अलग पैकेज में है, दूसरे पैकेज में है और उसको मुझे यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इंपोर्ट करूंगा. तो यहाँ पे ये क्या है, फोल्डर का नाम, सी क्या है, मेरा क्लास का नाम, राइट? तो यहाँ पे फोल्डर का नाम एंड देन क्लास का नाम देना ही पड़ेगा, याद रखना. ओके, तो ये हो गया यहां तक. देन और हमने क्या क्या देखा, एक्सेस स्पेसिफायर्स हमने देखे. क्या प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड विल सी लेटर ऑन. ओके, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड वाले कोड अभी बताना बाकी है, बताना यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है वो. ओके, सो यहां तक हो गया. देन प्राइवेट यानी कि क्या है, प्राइवेट इज अ मेथड एंड वेरिएबल्स का अप्लाई कर सकते हैं एंड इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास. ओके, एंड देन पब्लिक जो है,
क्लास मेथड एंड वेरिएबल्स होते हैं उसको देते थे, एंड इट इज एक्सेसिबल इन प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट में कहीं से भी कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? सो दैट इज पब्लिक, देन डिफॉल्ट यानी कि क्या, एक्सेस विद इन द पैकेज। जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। हेलो, या सॉरी, तो डिफॉल्ट यानी कि एक्सेस विद इन द पैकेज। ओके, इफ देर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इज गिवन, देन इट बिकम्स द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि उसी पैकेज में वो एक्सेस रहेगा, इस पैकेज में एक्सेस रहेगा, उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट। एक क्लास में रहेगा उसे हम कहते हैं प्राइवेट, कंप्लीट प्रोजेक्ट में रहेगा उसे हम कहते हैं पब्लिक। सर व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? लेट मी कम, मैंने नहीं आया वहां पे, आना बाकी है। वेट वेट, वन बाय वन। ओके, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे आ जाऊंगा। ओके, सो यहां तक क्लियर है? ओके, सो नाउ सी, अभी क्या करना है मैं बता, यहां तक तो ओके सबके लिए। सो नाउ ये कंस्ट्रक्टर क्यों और कब यूज होता है, अगर हमने देखा तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे हमें लगता है वो चीज ज्यादा, ठीक है। नाउ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी कि देखो मैं क्या कर देता हूं, ये मेरा क्लास सी है। ओके, इस क्लास सी में मेरे पास क्या है, डिफॉल्ट डिस्प्ले नाम का एक मेथड है। ओके, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको आर्गुमेंट्स पास कर देता हूँ। ओके, यानी कि स्ट्रिंग नेम ने मैंने दे दिया। ओके, और एक इंटीजर बैच आईडी दे, दो चीजें मैं उसको इनपुट दे। ओके, एंड नाउ यहां पे मैं लिख देता हूं मेरा सिस आउट। ओके, इस सिस आउट में मैं लिख देता हूं नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ओके, देन यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा बैच है। यानी कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एट दिस प्लेस, इस कंस्ट्रक्टर को मैंने पैरामीटर पास किया। अगर मैंने पैरामीटर पास किए, ओके, क्लास सी में, क्लास सी में मैंने पैरामीटर पास किया यहां पे। ओके, तो यहां पे मैं गया उसको कॉल दे रहा हूं। अभी देखो, नाउ इन अ सिंपल वे लेट मी होल्ड दिस वन एंड लेट मी कमेंट दिस वन। चलो ये रहने दो, मैंने हुआ कि नहीं पता चला। ओके, अगर मैंने इस क्लास को कंपाइल किया, ओके, तो चलेगा क्या? अदरवाइज लेट मी राइट, लेट मी रिमूव दिस वन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, पहले मेन क्लास यहाँ पे लिख दिया। अभी सॉरी सी सी इज इक्वल टू न्यू सी। ओके, इतना ही, इस मेथड को मैंने कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका क्या होना चाहिए,
कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, राइट। चलो देखते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। क्या बताया उसने, कंस्ट्रक्टर सी इन क्लास सी कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप्स, यानी कि ऐसा नहीं लिख सकते बोल रहा है वो। क्यों? वो बोल रहा है रिक्वायर्ड उसको स्ट्रिंग और इंटीजर चाहिए, उसको स्ट्रिंग और इंटीजर चाहिए। और उसको मिला है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो वो बोल रहा है कि भाई तूने तेरे क्लास में लिखा है एक कंस्ट्रक्टर, ओके, तो अगर तूने लिखा है एक कंस्ट्रक्टर तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिख पाऊंगा, आई कैन नॉट इंजेक्ट माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन माय सी क्लास, वो बोल रहा है, यानी कि ये नहीं चलेगा बोल रहा है। तो बोल रहा है कि अगर तूने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है तो भाई एक काम कर, तू यहाँ पे उसको नाम भी तो दे दे, जो तूने पैरामीटर दिए तो पैरामीटर दे दे लाइक मनीष, ओके, और उसका बैच आईडी दे दे 123, राइट। अब कंप्लीट करके देख, बोला हो गया, राइट। तो ये सी कौन से पैकेज में, आपने पैकेज 2.c में है, राइट। तो मैं इसको रन कर देता हूं, ए सॉरी, मेन मेथड नॉट फाउंड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड इन द क्लास, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेथड, नहीं लिखा क्या? अरे लिखा है ना, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स कौन लिखेगा, ओके, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये कंपाइल तो हो गया और ये रन गया। पैकेज सी आर ओनली एक्सेप्टेबल अनोटेशन प्रोसेसिंग एक्सप्लिसिटली required, explicitly required, sorry, see, देख क्या गया, नेम मनीष एंड बैच आईडी 123, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। मैंने इसको कंपाइल किया तो उसने क्या दिया अभी, मनीष एंड 123, यानी कि यहां पे मैंने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे अगर मैंने यहाँ पे मेरे क्लास में एक मैंने खुद का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर मैंने दिया है, ओके, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आई कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट गिविंग दिस पैरामीटर्स, विदाउट ए पैरामीटर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने वाला, दैट इज द रूल डिफाइंड बाय जावा कंपाइलर। समझ में आ रहा है एवरीवन? और शाल आई रिपीट वंस अगेन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रिपीट करो एक बार, यस सर, यस सर, ओके फाइन। देखो ये मैं हटा देता हूं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम इन दिस वे, ये है मेरा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, अगर मैंने ये भी नहीं दिया, ओके, तो जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वो डाल देता है, राइट, तो उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने ये दे दिया और मैंने बोला कि भाई तू एक काम कर, इसमें कुछ आर्गुमेंट्स ले ले, लाइक स्ट्रिंग नेम ले ले, ओके, देन इंटीजर रोल नंबर ले ले, ओके, ये दो चीजें मैंने दे दी उसको, फाइन। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम बोल के मैं वो जो दो वैल्यूज आ रही है वो प्रिंट कर लेता हूँ, कौन सा, नेम एंड देन रोल नंबर, यानी कि
यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा राइट सी नाम से। तो सी नाम का ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करूंगा तो बोलेगा कि भाई तूने अगर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है और तूने दिया हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो तू पैरामीटर पास कर। पहला पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर इंट है, तो वो वैल्यूज को यहाँ से पास कर। तो ये वैल्यूज यानी कि सिंपली वेर गिविंग अ कॉल टू दिस मेथड। ओके यानी कि इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो यहां से कॉल हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से उस पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यानी कि क्या, देखो अभी मैं कंपाइल अगर मैं करूंगा, कंपाइल करने के लिए आई हैव टू गो टू सी, ही है ना अपना, ये वाला मैंने कंपाइल किया राइट, एंड नाउ लेट मी रन दिस। देखो आ गया नेम मनीष, रोल नंबर 123। ओके सो अभी नाउ कंसिडर यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर नेम है, ओके सॉरी स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर रोल नंबर है मेरे पास। ओके तो मैंने ये हटा देता हूं अभी। तो जो कुछ भी मैं इसको कॉल करूंगा जब भी, देखो ये बाय डिफॉल्ट सबसे पहले यही कॉल होगा। ओके अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट नेम, गेट नेम बोल के एक मेथड लिख देता हूँ। ओके ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मिलेगा और वो प्रिंट करने वाला है मेरा नेम बस। ओके ये प्रिंट करेगा नेम। तो हम क्या करेंगे, जब भी मैंने इसको कॉल कर दिया तो पहला आर्गुमेंट है स्ट्रिंग है तो ये कहाँ चला जाएगा, एन में चला जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट 123 कहाँ जाएगा, आर में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू एन असाइन कर दिया एंड रोल नंबर इज इक्वल्स टू आर मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो अभी एक्सेसिबल है क्या, चेक करते हैं किसे, सी डॉट गेट नेम पे कॉल कर देता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना मैंने और उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भेज दी, तो सी डॉट गेट नेम पे आ गया मैं। तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, नेम। मेरा नेम प्रिंट हो जाना चाहिए, लेट्स सी। कंपाइल सक्सेसफुल देन रन, देखो नेम क्या दिया उसने, मनीष। यानी कि अभी ठीक तरह से सुनो, द फाइनल स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्टर्स आर गोइंग टू यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स है ओके, मुझे उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज देनी है ओके, तो मैं मेरा कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नेम दिया है क्या, कहीं पे एक्सेस किया है क्या नेम यहाँ पे, नहीं किया। तो सिंपली मैंने उसको यहां से जब भी कॉल किया तो यहाँ पे जाके मैंने इसे असाइन कर दिया। अभी अगर मैं एक मेथड बना देता हूँ यहाँ पे और उसे मैं कहता हूँ गेट रोल नंबर और यहाँ पे मैं बता देता हूँ तो रोल नंबर ले ले, चाहिए रोल नंबर और मैं कॉल देता हूँ सी डॉट गेट रोल नंबर। नाउ लेट मी कंपाइल एंड देन रन। देखो नेम भी दे दिया और उसने रोल नंबर भी दे दिया, समझ में आ रहा है एवरीवन। सो कंस्ट्रक्टर्स वी आर गोइंग टू यूज constructors will use to initialize the instance variables.
हमेशा याद रखना ये चीज, और पूछेंगे बहुत बार पूछेंगे। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, जिसको हम बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज देके हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस, आर यू गाइस आर विथ मी? ग्रेट, वेरी गुड। ऐसे चैट बॉक्स में भी दिया ना, यस सर, फिर भी आई एम सेटिस्फाइड। ओके फाइन देन गाइस, विल स्टॉप हियर। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट देन we'll close the session. And one more thing, I'll try to upload this video by today only. Don't worry about this video. Okay, main aaj upload kar dunga. And one more thing is that ki from tomorrow onwards, we are going to do the programming in Eclipse. Okay. So if possible, then try to install the Eclipse. Nahi to hum kal dekhenge kaise isko install karna hai और कैसे उसे कॉन्फिगर करना है, विल सी बाय टुमारो। ओके, सो आस्क योर कलीग्स फ्रेंड्स, डोंट बंक टुमारोज लेक्चर। ओके, कल से हम प्रोग्रामिंग पूरा इक्लिप्स में ही करने वाले हैं। ओके फाइन, ग्रेट, ओके देन, लेट मी स्टॉप।